नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर एंड आवर चैनल समाप्ति एक्सप्लोर। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग निकले हैं, बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स के बाद। तो हम तो मैच जा नहीं पाए और रीज़न है, सारे बच्चे बीमार थे, घर पे सब बीमार थे, तो हम उस दिन नहीं जा पाए। तो आज अभी तो लास्ट की टाइम पे ही हो गया, 3-4 दिन ही बाकी है। तो हम लोग आज बहुत हिम्मत करके निकले हैं थोड़ा सा कैरावन सिटी देखने के लिए। अभी कैरावन सिटी में ही हम लोग हैं। तो और ये रहा मेन एंट्रेंस, और इसके अंदर जाने के बाद आपको मिलेगा बहुत कुछ। तो चले हम लोग अंदर चलते हैं। और इस तरफ देखिए कितने अच्छे से ये जो कलरफुल ड्रम जैसा दिख रहा है ना, ये एक्चुअली कंक्रीट का है, तो बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छा भी लग रहा है देखने के लिए। तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फैन जोन भी बनाया हुआ है, तो बच्चे जैसे एंजॉय कर पाए, इसलिए यहाँ पे एक बच्चों की प्ले एरिया बनाया हुआ है, एक कैसल है। और जैसे माँ बापा यहाँ पे जाए बैठ के फैन जोन में बैठ के मैच देखेंगे और बच्चे को यहाँ पे छोड़ देंगे, वो लोग खेल सकते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि बच्चे को मैच से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। और इस तरफ है एक देखिए सोलर पैनल, क्योंकि इस कैसल को चलाने के लिए हवा चाहिए। और ये रहा ह्यूज कैरावन सिटी, जो बहुत प्यारा सा जैसे फ्लैग और लाइट लगा के डेकोरेशन किया हुआ है। और ये जो रास्ता दिख रहे हैं ना, ये पूरा डेजर्ट था, वर्ल्ड कप के लिए ही ये बनाया हुआ है। दिखता है ह्यूज, ये देखिए 126 to 150, इस तरफ है 150 तक नंबर। और यहाँ पे है सारा कुछ लिस्ट दिया हुआ है, किस तरफ क्या जाना है, रिसेप्शन, पिकअप ड्रॉप, पार्किंग, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट एरिया, कैरावन के नंबर, सब कुछ। और ये पे एक हाइपर मार्केट भी दिया हुआ है। दे दिया पूरा, देखो सैंड है, इसके बीच में थोड़ा सा रास्ता देके दिया अंदर जाने के लिए, ऐसा है सारे की ऐसे ही है। और इस तरफ है रेस्टोरेंट, जो यहाँ पे गेस्ट रुकेंगे उनके लिए भी, और ये जो फैन जोन में लोग आएंगे उनके लिए भी। तो ये रेस्टोरेंट वगैरह भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। तो चलो हम लोग फैन जोन में आ गए। ये देखिए ह्यूज एक स्क्रीन लगाया हुआ है और लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो फाइनली अभी मोरक्को जीत गया, इसलिए मोरक्को की फैन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं सब। और एक चीज़ बोलना पड़ेगा, जो अरबिक लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, जैसे सब ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स सबको लेके यहाँ पे आए हैं। मैंने बहुत सारे फैमिली को देखा है, और यहाँ पे लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए इतना ज़्यादा सेफ है। कितना सारा लोग होंगे यहाँ पे, नियर अबाउट 10 to 20,000 लोग होंगे, लेकिन आपको कोई भी एक आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा, जस्ट एंजॉय कर रहे हैं लोग, कोई उल्टा फुल्टा कुछ भी नहीं, कोई अश्लीलता नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। बच्चे देखे, सब बच्चे लेके भी यहाँ पे आए हैं। अरब कंट्री होने की वजह से अरबिक लोग ज़्यादा है, और इसलिए यहाँ पे अरबिक चैनल कुछ जो टेलीकास्ट हो रहा है वो ही दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ पे अच्छा खासा टेबल चेयर की भी बंदोबस्त किया हुआ है, तो लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं, जब टेबल चेयर ख़त्म हो जाता है तो अपना अपना कुछ लगा के बैठते हैं। तो हम लोग यहाँ पे निकल गए। यहाँ पे देखिए मोरक्को के फ्लैग भी एक बिल्डिंग में लगाया हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं कतारा पे, वहाँ पे की माहौल थोड़ा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चले ये देखिए कतारा पे आ गए, और बाहर इतना ज़्यादा हॉर्न बजा रहे हैं लोग, क्योंकि मोरक्को को सपोर्ट करने के लिए। तो सुनिए थोड़ा हॉर्न की आवाज़। और ये
ये देखिए कितने अच्छे से सजा के रखा है पूरा रास्ता, पूरा ग्लिटर टाइप का। हाँ, और लोगों की जोश देखिए। दिल खुल के एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए दो टेडी बियर सज के एक गाड़ी चला रहा है, क्योंकि गाड़ी चलाएगा जो उसको तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और दूसरा सबको चेयर करके जा रहे हैं। और आज इतना ज़्यादा हमने एंटीक कार यहाँ पे देखा है ना, तो जिसके पास जो भी एंटीक कार है सब ने ले के निकल रहे ये। और इस स्ट्रीट का नाम है शेक्सपियर स्ट्रीट। तो चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चल के अंदर जाएंगे, अंदर भी बहुत सारा कुछ प्रोग्राम चल रहा है। और ये देखिए और एक कार, कतार दोहा कतार की हालत, अभी हम लोग कतार में है, मुरुख को जीतने के बाद ऐसे माहौल हो रहा है, फाइनल में पता नहीं क्या होगा। तो हम लोग रोड साइड से थोड़ा सा अंदर आ गए, और ये देखिए यहाँ पे है कतारा हॉल, और यहाँ पे एक स्टेज भी बनाया हुआ है। थोड़ी देर में कुछ प्रोग्राम शुरू होगा, और एक बहुत बढ़िया सा फाउंटेन शो भी शुरू होगा। तो फाउंटेन शो शुरू होने से पहले हम लोग थोड़ा सा कतारा हॉल घूम के आते हैं, वहाँ पर एक एंटिक चीज़ हम लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस ड्रेस को देखिए, इतना बड़ा ड्रेस मैंने कभी नहीं देखा। और जिन्होंने इसको स्टिच किया इनका भी पेशेंस की भी मतलब तार देना पड़ेगा। देखिए कितना ह्यूज है, पता नहीं कैमरे पे आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा दूर जाके दिखाती हूँ। पूरा एक डबल बेड और उससे भी बड़ा बेड बिछा के भी बाहर भी बहुत सारा है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरफ है सारे डिज़ाइनर ड्रेस, और यहाँ पे है कोरल की कुछ चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह। और उस तरफ भी सेम ही है, और हम लोग अभी फाउंटेन शो शुरू हो जाएगा, तो चलो हम लोग फटाफट फाउंटेन शो देखने जाते। फाउंटेन शो का खासियत ऐसा है, ये पानी में ना जैसे प्लेयर फुटबॉल खेल रहे ऐसा पिक्चर दिख रहा है। एक्चुअली कैमरे पे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रोजेक्टर के द्वारा ये सब कर रहे। और ये जो स्टील की कितने सारे कोन जैसा दिख रहा है ना, जैसे फाउंटेन शो ख़त्म हो जाएगा ये पानी के अंदर चला जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक चीज़ देखा है हमने। बहुत हो चुका है, हम लोग अभी घर जाएंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।